नमस्कार दोस्तों, अमृतकाल का पहला बजट प्रस्तुत किया जा चुका है। इस बजट में अमृतकाल के विजन की बात की गई है। उस विजन को हासिल करने के लिए तीन चीजों पर फोकस किया गया है। ऐसे चार अवसर या अपॉर्चुनिटीज बताई गई हैं कि अगर उन अपॉर्चुनिटीज को हम भुना पाए तो ये विजन साकार हो सकता है। इस विजन को हासिल करने के लिए सप्तऋषि की बात की गई है, यानी सात प्रायोरिटीज या सात प्राथमिकताएं निश्चित की गई हैं। और ये बात कही गई है कि हमें बहुत ही रणनीतिक तरीके से इन प्राथमिकताओं को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत होना। इस बजट में बात की गई है पीएम प्रणाम की, इसमें बात की गई है मिष्टी की, इसमें बात की गई है अमृत पीढ़ी की, इसमें बात की गई है सप्तऋषि की। आज हम इस बजट को बहुत ही सरलता से समझने की कोशिश करेंगे और ये एपिसोड सुनने के बाद मुझे पूरा विश्वास है कि बजट जैसा नीरस विषय आपके लिए बहुत ही रुचिकर हो जाएगा और एपिसोड सुनने के बाद आप बजट भाषण अवश्य पढ़ लेंगे। फर्स्ट बजट इन अमृतकाल। इस बजट में कहा गया है कि ये इंडिया 800 यानी 2047 के लिए भारत की अर्थव्यवस्था का ब्लूप्रिंट तैयार करेगा। इसमें अमृतकाल का जो विजन है वो विजन है एन एम्पावर्ड एंड इंक्लूसिव इकोनॉमी, यानी बहुत ही सशक्त और समावेशी अर्थव्यवस्था जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन होगी और नॉलेज बेस्ड होगी, जिसमें तकनीक और ज्ञान दोनों को एक साथ लेकर आया जाएगा, जहां हमारा सार्वजनिक वित्त बहुत सुदृढ़ स्थिति में होगा और हमारा वित्तीय क्षेत्र बहुत ही रोबस्ट होगा। इस विजन को अचीव करने के लिए तीन चीजों पर फोकस किया गया है। पहला है एम्पल अपॉर्चुनिटीज फॉर सिटीजंस स्पेशली फॉर यूथ, कि अगर हम हमारे नागरिकों को व्यापक स्तर पर अवसर उपलब्ध करवाएं तो वो इस समावेशी और सशक्त अर्थव्यवस्था के निर्माण में अहम भूमिका अदा कर सकते हैं। बजट में बात की गई है स्ट्रॉन्ग इम्पीटस टू ग्रोथ, यानी वृद्धि को तेज रफ्तार देने की, और रोजगारों के व्यापक स्तर पर सृजन की बात कही गई है। इसमें कहा गया है कि हमारी जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो हम बरकरार रखेंगे। कोरोना के बावजूद, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो तनावपूर्ण स्थिति है उसके बावजूद भी भारत की अर्थव्यवस्था अपनी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनाए हुए है। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का अर्थ है कि जहां इन्फ्लेशन ज्यादा ना हो, जहां महंगाई ज्यादा ना हो, जहां बेरोजगारी की दर ज्यादा ना हो, जहां ब्याज की दर भी बहुत ज्यादा भी ना हो, बहुत कम भी ना हो, और लोगों के पास व्यापक स्तर पर आय अर्जन करने के साधन, यानी मंदी की स्थिति ना हो। अमृतकाल के विजन को हासिल करने के लिए चार अवसरों की पहचान की गई है। पहला है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन, यानी महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण हमारे अमृतकाल के विजन को साकार कर सकता है और इसमें मूल रूप से फोकस किया जाएगा सेल्फ हेल्प ग्रुप पर। दूसरी जो अपॉर्चुनिटी है वो है पीएम विकास, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान, यानी जो आर्टिजन्स हैं, जो कारीगर हैं, उनको इस प्रकार के अवसर उपलब्ध कराए जाएं, उनको मार्केट उपलब्ध करवाए जाए, उनको फाइनेंशियल जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन तक उनकी पहुंच बढ़ाई जाए, उनके उत्पादों की बिक्री बढ़ाई जाए, उनके उत्पादों के प्रति लोगों में अभिरुचि विकसित की जाए, इस बात का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि आर्टिजन्स भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत ही बड़ा रोल अदा करते हैं। तीसरी जो अपॉर्चुनिटी है वो टूरिज्म। भारत वैश्विक स्तर पर टूरिज्म का हब बन सकता है। भारत में व्यापक और वृहद संभावनाएं, भारत भौगोलिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से बहुत ही विविध प्रदेश है। यहाँ की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। यहाँ एक तरफ नदी, नहरें, समुद्री तट है तो दूसरी तरफ हिमालय, एक तरफ मरुस्थल है तो एक तरफ पूर्वोत्तर की पहाड़ियां हैं, जहां कोई भी पर्यटक
कुछ ना कुछ समय अवश्य बिताना चाहता है। चौथी जो अपॉर्चुनिटी है वो ग्रीन ग्रोथ। ग्रीन ग्रोथ का अर्थ है कि ऐसी ग्रोथ जिसमें ग्रीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो, ग्रीन फ्यूल हो, ऐसा फ्यूल जिससे एमिशन कम से कम हो, ऐसी एनर्जी जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए, ऐसी फार्मिंग जिससे ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कम से कम हो, जिससे हमारी धरती कम से कम प्रदूषित हो। बेसिकली बात की गई है नेचुरल फार्मिंग की। इसमें ग्रीन मोबिलिटी की बात की गई, यानी हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है उसमें भी हम ग्रीन और क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल करें, और साथ में जो बिल्डिंग्स है वो भी इस प्रकार की बनाई जाए कि उसमें ऊर्जा का संरक्षण हो, कम से कम हम ऊर्जा का उपयोग करें ताकि हमारा भविष्य ग्रीन हो सके, सुरक्षित हो सके, और हम हमारे अमृतकाल के विजन को अचीव कर सके। इस विजन को अचीव करने के लिए सात प्राथमिकताओं की बात की गई है जिसको सप्तऋषि कहा गया है। पहली प्राथमिकता है समावेशी विकास। समावेशी विकास के लिए सबसे ज्यादा बल देने की जरूरत है एग्रीकल्चर पर, और यही इस बजट में कहा गया है। एग्रीकल्चर के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रा फॉर एग्रीकल्चर की स्थापना की जाएगी, यानी जो सूचनाएं हैं उनको डिजिटली अवेलेबल करवाने का प्रयास किया जाएगा किसानों को, ताकि वो अपनी फसल के बारे में बेहतर जानकारी अर्जित कर सकें, उनको कैसे अच्छा मार्केट मिल सकता है, उनको कैसे अच्छे इनपुट मिल सकते हैं जिससे वो अपनी आय बढ़ा सकें। दूसरा, कृषि संबंधी स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने के लिए एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड की स्थापना की जाएगी। इसके माध्यम से जो यूथ है उनको आकर्षित किया जाएगा, उनको स्टार्टअप लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि हमारे कृषि क्षेत्र को रोबस्ट बनाया जा सके। इस बजट में आत्मनिर्भर हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम की बात की गई है। इस बजट में बात की गई है ग्लोबल हब फॉर मिलेट्स यानी श्री अन्न की। बजट में कहा गया है कि भारत मिलेट्स का हब बन सकता है। मिलेट्स बहुत पोषक होते हैं, ज्वार बाजरा इस प्रकार के जो मिलेट्स हैं उनमें पौष्टिक तत्वों की मात्रा भी बहुत ज्यादा होती है, और वैश्विक स्तर पर जिस तरीके से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ रही हैं, मिलेट्स खाद्य पदार्थ का भविष्य है, और भारत को इस पर रणनीतिक तरीके से आगे बढ़ने की जरूरत है, ताकि भविष्य में आने वाली आवश्यकताओं को, भविष्य में आने वाली जरूरतों को, भविष्य में पैदा होने वाली मांग को हम पूरा कर सकें। बजट में सिकल सेल एनीमिया के एलिमिनेशन से संबंधित एक मिशन की शुरुआत की गई है, जिसमें 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को एलिमिनेट करने का लक्ष्य है। इस बजट में कहा गया है कि कोरोना काल के दौरान बहुत सारे बच्चे स्टडी के लेवल पर कुछ हद तक पिछड़े हैं, उनके इस गैप को पूरा करने के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी फॉर चिल्ड्रेन एंड एडोलसेंट्स की स्थापना की जाएगी, ताकि उनका जो स्टडी में जो गैप आया है, स्टडी में उनको समस्याओं का सामना करना पड़ा है, वो पढ़ाई में थोड़े पिछड़े हैं, उस गैप को पूरा किया जा सके। बजट की दूसरी जो प्राथमिकता है वो है हमारे पिछड़े से पिछड़े क्षेत्रों और पिछड़े से पिछड़े व्यक्तियों का विकास सुनिश्चित करना। इस बजट में एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम की शुरुआत की जाएगी, जिसमें 500 ब्लॉक्स की पहचान की जाएगी, जैसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम पर हम पहले एक एपिसोड कर चुके हैं। इस बजट में पीएम पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन, प्राइम मिनिस्टर प्रीमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप डेवलपमेंट मिशन शुरू किया जाएगा, जिसमें जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, जो प्रीमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स हैं, उनको बेसिक फैसिलिटीज और बेसिक एमिनिटीज अवेलेबल करवाई जाएंगी, ताकि वो भी हमारी मुख्य धारा का हिस्सा बन सकें और देश के विकास में अपना योगदान दे सकें। तीसरी प्राथमिकता है इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट, यानी आधारभूत संरचना का विकास और ज्यादा से ज्यादा निवेश को प्रोत्साहन। इस बजट में कैपिटल जो एक्सपेंडिचर है उस पर 4.5% खर्च किया जाएगा जीडीपी का। कैपिटल एक्सपेंडिचर का अर्थ है कि ऐसा खर्च जो ऐसी मशीनरी या ऐसे उपकरणों पर खर्च किया जाए जो
प्रोडक्शन के लिए काम आए, जो स्थायी हो, जो लंबे समय तक लगातार प्रोडक्शन करते रहे। दूसरा, इसमें अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की स्थापना की गई है। टीयर टू और टीयर थ्री के जो शहर हैं, उनमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो फंड की कमी है, उसको इस फंड से पूरा किया जाएगा। बाकी जो निजी निवेशक हैं, उनको विभिन्न प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर आधारभूत संरचना के जो क्षेत्र हैं, उनमें निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। चौथी प्राथमिकता है अनलीसिंग द पोटेंशियल, यानी जो भी संभावना है उसका यूज किया जाए। इसके लिए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्थापना की जाएगी। केवाईसी है, उसको सिंप्लीफाई किया जाएगा। नेशनल डाटा गवर्नेंस पॉलिसी की बात इसमें की गई है कि जो डाटा है, जिसको डाटा की जरूरत है, चाहे वो स्टार्टअप के लिए, चाहे एग्रीकल्चर के लिए, उनके लिए ये डाटा इजीली अवेलेबल हो, इसके लिए एक पॉलिसी लाई जाएगी। ज्यादा से ज्यादा ई कोर्ट्स स्थापित किए जाएंगे, 5G सर्विसेज का विस्तार होगा और लैब ग्रोन डायमंड्स पर रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए प्रयास किया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा ये प्रयास किया जाएगा कि हम LGD के क्षेत्र में भी वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाएं, हम ज्यादा से ज्यादा लैब ग्रोन डायमंड्स पैदा करें। लैब ग्रोन डायमंड्स का अर्थ है कि जो नेचुरल डायमंड्स है, वैसे ही डायमंड्स प्रयोगशालाओं में बनाए जाते हैं। आजकल बहुत ज्यादा इनकी डिमांड है। पांचवी प्राथमिकता है ग्रीन ग्रोथ, हरित वृद्धि। इसके लिए मिशन लाइफ की शुरुआत की गई है, मिशन लाइफ फॉर एनवायरमेंट। मिशन लाइफ के बारे में भी हम एक पहले एपिसोड कर चुके हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर इसको देख सकते हैं। लक्ष्य है नेट जीरो बाई 2070, यानी 2070 तक हम नेट जीरो की स्थिति में पहुंच जाए, यानी हमारे जो उत्सर्जन की दर है वो जीरो के स्तर पर आ जाए। इस बजट में ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की बात की गई है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पर भी हम पहले बात कर चुके हैं। इसमें ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम की बात की गई है, यानी इंडस्ट्रीज को इस बात के लिए मोटिवेट किया जाएगा कि वो ग्रीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, और जितना ज्यादा वो इस्तेमाल करेंगे उसके लिए उनको क्रेडिट दिया जाएगा। इस बजट में PM प्रणाम नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया गया है, प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एमिलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ, यानी हमारी धरती को जो नुकसान हुआ है हमारी एक्टिविटीज के माध्यम से, उसको रिस्टोर करना, उसको हमारी धरती को बेहतर बनाना। क्योंकि अगर धरती बंजर हो गई तो सर्वाइवल मुश्किल। इसी बजट में गोवर्धन की बात की गई। गोवर्धन का फुल फॉर्म है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन। बेसिकली इसका उद्देश्य है टू प्रमोट सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी क्या है, लीनियर इकोनॉमी क्या है, इसके बारे में भी हम पहले चर्चा कर चुके हैं, आप जरूर सुनना। अमृतकाल के इस पहले बजट में मिस्टी नामक एक इनिशिएटिव शुरू किया गया है, इन मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। मैंग्रोव्स बहुत ही महत्वपूर्ण वेजिटेशन है, ये बहुत से हमारे प्राणियों के लिए हैबिटेट है, यहाँ बायोडाइवर्सिटी जबरदस्त होती है, इसलिए मैंग्रोव को बचाना बहुत जरूरी है। अमृतकाल के इस बजट में अमृत धरोहर की बात की गई है कि हम हमारी वेटलैंड्स का ऑप्टिमम यूज करें, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करें, कोई नुकसान नहीं पहुंचाएं, क्योंकि वेटलैंड्स बायोडाइवर्सिटी का बहुत बड़ा स्रोत है। हम इन वेटलैंड्स का इस तरीके से उपयोग करें कि आने वाली पीढ़ियों तक ये वेटलैंड्स सुरक्षित रहें। वेटलैंड्स के बारे में, रामसर साइट्स के बारे में भी हम पहले चर्चा कर चुके हैं। छठी जो प्रायोरिटी है वो है यूथ पावर। यूथ पावर को कहा गया है अमृत पीढ़ी। अमृत पीढ़ी के लिए PM कौशल विकास योजना 4O की शुरुआत की गई है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D प्रिंटिंग और रोबोटिक्स जैसे विषयों के संबंध में युवाओं में कौशल का विकास किया जाएगा, ताकि वो वैश्विक स्तर पर पैदा होने वाले अवसरों को हस्तगत कर सकें। टूरिज्म के लिए 50 डेस्टिनेशंस की पहचान की जाएगी, उन 50 डेस्टिनेशंस को बहुत ही संपूर्ण और समावेशी तरीके से विकसित किया जाएगा, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा टूरिस्टों को अट्रैक्ट कर सकें और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसरों का सृजन हो सके और लोगों की आय में बढ़ोतरी। बजट में देखो अपना देश की बात की गई है। इस बजट में कहा गया है कि जो टूरिस्ट सेंटर्स हैं या स्टेट्स की जो राजधानी है,
जो स्टेट्स की फाइनेंशियल कैपिटल्स हैं, वहां यूनिटी मॉल स्थापित किए जाएंगे। इन यूनिटी मॉल्स में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की जो स्कीम है, उन प्रोडक्ट्स को सेल किया जाएगा। जो जीआई प्रोडक्ट्स हैं उनको बेचा जाएगा, टूरिस्टों को अट्रैक्ट किया जाएगा कि वो ज्यादा से ज्यादा इन प्रोडक्ट्स को खरीदें, क्योंकि इन प्रोडक्ट्स को अगर खरीदेंगे तो स्थानीय स्तर पर लोगों की आमदनी बढ़ेगी, लोग ज्यादा से ज्यादा ऐसे प्रोडक्ट बनाने के लिए प्रोत्साहित होंगे और नए नए रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। सातवें जो प्रायोरिटी है वो वित्तीय क्षेत्र है। वित्तीय क्षेत्र के बारे में कहा गया है कि रेगुलेशंस को इजी किया जाएगा और डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने की इसमें बात कही गई। तो दोस्तों यही है बजट का सार, क्या सस्ता हुआ क्या महंगा हुआ ये अखबार में आएगा। लेकिन अगर आप बजट भाषण को थोड़ा गहराई से पढ़ लेते हैं तो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आप एकदम क्लियर हो जाएंगे बजट के बारे में, और नीरस सार लगने वाला ये टॉपिक भी आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएगा। इस बजट में 5 टैक्स स्लैब्स की बात की गई है, 3 से 6 लाख तक 5%, 6 से 9 10%, 9 से 12 15%, 12 से 15 20%, और 15 लाख से ऊपर अगर किसी की आय है तो उस पर 30% इनकम टैक्स लागू किया जाएगा और 3 लाख तक आयकर नहीं देना पड़ेगा। ये जो टैक्स स्लैब्स हैं ये डिफॉल्ट टैक्स स्लैब्स हैं। अगर कोई इंडिविजुअल चाहे तो जो पुरानी स्कीम है उसको भी ऑप्ट कर सकते। तो अमृतकाल के पहले बजट में आज इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।